Assalamualaikum, hello friends, welcome back to my YouTube channel Indian Usad Family. How are you, my YouTube friends? I hope you all are doing well. Let's start today's my vlog. तो बस स्टेप बाई स्टेप मैं वीडियो अपलोड करते जा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आप लोगों को समझ में आ जाए. तो बस अब हम लोग आबू धाबी जिस तरह से पहुँच चुके थे आप लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में देखे होंगे. तो बस अब हम लोग जा रहे हैं आबू धाबी लाउंज. तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आबू धाबी लाउंज आखिर है कैसा और वहाँ क्या क्या मिलेंगे खाने पीने को. काफ़ी सारे वैरायटी होंगे. तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आबू धाबी का लाउंज. और आबू धाबी के लॉन्च में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और कुछ ऐसा व्यू मैं दिखाने वाली हूँ. ये देखिए इस तरह से सारे लॉन्च है एंड और भी है इसका एरिया. तो मैं आगे भी दिखाऊंगी कि और आगे कैसा लॉन्च है, कैसे बैठने का है, कैसा ये सब सीटिंग एरिया है और इसका एरिया. और बस हम लोग टेबल ले लिए हैं फटाफट जहाँ पर हम लोग बैठ के खाएँगे. तो उसके बाद फिर हम अभी तो नादरा गई है, अपना जो लेकर आएगी कुछ भी जिसके पसंद है तो वो लाइक लिखलाएगी. एंड देखिए कुछ इस तरह से भी हर तरह से बैठने दो सीटर वाला भी है, लाइक फैमिली वाला सीटर भी है, कुछ इस तरह से भी बैठने का है. तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं. एंड इसके बाद मैं चली आई अपना लेने के लिए और एक हाथ में कैमरा और एक हाथ से मैं डिशेज लेने वाली हूँ, खाने पीने का जो भी आइटम है तो वो सब मैं लेने वाली हूँ. बट थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बट कोई बात नहीं. और आप लोगों को भी दिखाना था कि आबू धाबी का लॉन्च कैसा है. तो इसके बाद मैंने कुछ ये ईरानी चपाती लिया एंड बहुत कुछ था जो मुझे समझ में आ रहा था. बस मैं वैसे वैसे लेते जा रही थी ताकि मुझे ट्राई करना था कि ये कैसा लगता है खाने में. और भी बहुत कुछ था और ये आफ्टरनून का टाइम था इसलिए मुझे लग गई थी भूख. तो और यहाँ बहरीन में जो भी है बहरीन बोल रही आबू धाबी में 7 आवर्स का ले आउट था. तो इसीलिए हम लोग सोचे कि काफ़ी अच्छे से इंजॉय करेंगे और इसमें लाउंज में. तो ये देखिए कितनी तरह के सैलेड अवेलेबल थे और कुछ मुझे नहीं मालूम था कि ये बॉयल कुछ था आइटम्स. तो बट मैंने सोची कि ये सैलेड ही होगा तो मैं ले ली. बट मुझे कैरेट थोड़ा बॉयल था, बट कोई बात नहीं ये हेल्दी था इसलिए मैं हेल्दी समझ के इसमें से थोड़ा थोड़ा लेते जा रही थी. एंड इसके बाद आते हैं नेक्स्ट में क्या है. नेक्स्ट में बहुत कुछ था बट जो मुझे मालूम था और जिसको मैं जानती थी बस मैंने उसी को ट्राई करना सही समझा कि ये कैसा लगता है टेस्ट में. और बाकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि है क्या, फिर मैं सोची वेस्ट ना हो जाए तो लेकर क्या फ़ायदा. और ये कुछ था ब्रेड का कुछ था तो मैंने उसे ले लिया. ये स्पाइसी में था, ये मीठा नहीं था बट ये स्पाइसी था, अच्छा था इसलिए मैं बस थोड़ा थोड़ा ले रही थी ताकि बस वो टेस्ट करेंगे. इस तरह से थोड़ा थोड़ा ले लेकर टेस्ट भी करेंगे ना तो पेट भर ही जाता है. और ये देखिए माई फेवरेट स्प्रिंग रोल, जो वेजिटेबल का स्प्रिंग रोल होता है ना तो वो मैंने ले लिया इस तरह से. और इसके बाद नेक्स्ट आती है ये राजमा कुछ था जो मुझे मैं इसे नहीं खाती हूँ. और इसके बाद कुछ फ्राई पोटैटो था जो कि मुझे सही लग रहा था तो मैंने बस एक पीस ले लिया, इसे टेस्ट करती हूँ कैसा लगता है. और इसके बाद नेक्स्ट क्या आइटम आता है वो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. तो इसके बाद कुछ चिकन भी था बट मुझे चिकन नहीं खाना था तो मैंने उस टाइम नहीं लिया था. और राइस भी था तो ये देखते हैं आगे क्या है. ये देखिए चिकन स्टू था तो बट मुझे मैं उसे नहीं ली. और भी कुछ था इधर चना, कुछ काबली चना जो होता है जिसका वो कड़ी होता है ना चना कड़ी तो वो था, काबली मटर वाले जो चने होते हैं उस तरह था. और ये कुछ स्वीट्स था डिज़र्ट में बट मुझे स्वीट्स अभी नहीं चाहिए था. तो फिर मैं सोची अगर स्वीट्स ले लेती हूँ फिर बार बार कौन आएगा. तो मैं ये पेस्ट्री जो था ना ये मुझे सही लग रहा था एंड इसका और ये साइज़ भी सही लग रहा था कि इसे खाया जा सकता है डिज़र्ट में. तो ये रेड वेलवेट था एंड ये चॉकलेट वाला भी था तो बट मुझे रेड वेलवेट ज़्यादा पसंद आया था. और ये चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा है, चॉकलेट्स था इसमें तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं कही और मैं ये रेड वेलवेट वाला ले लिया. और कुछ मैंने और भी ले लिया जो कि नादरा को मैं दे दूँगी और ये तो वो खा लेगी.
क्योंकि पेस्ट्री और भी बहुत कुछ थे मीठा में, बट मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था तो इतना इनफ था। जैसा कि आप लोग ने देखा है बहरीन लाउंज एंड ये आबू धाबी का भी लाउंज आप लोग देख रहे हो, तो सब कुछ अच्छा था। और बहरीन का जो लाउंज था ब्रेकफास्ट के हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छे से इंतज़ाम किया था, और यहाँ पे भी इस लाउंज में भी बहुत कुछ अच्छे हैं, हर तरह से मतलब वैरायटीज़ रखे हुए हैं अलग अलग, जैसे कि अलग अलग कंट्री से सब लोग आते हैं तो उसके हिसाब से वो लोग खा सके। और आबू धाबी लाउंज काफ़ी बड़ा भी है एंड काफ़ी कुछ खाने पीने को भी देखने को भी मिला, और बहुत कुछ अच्छा था। और डिज़र्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे सब कुछ रखे हुए थे, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया हम लोग ने। और स्प्रिंग रोल मुझे बहुत अच्छा लगा खाने में। और ये प्रेस्टीज की बात की जाए तो ये वाला जो देख रहे हैं ना आप लोग, ये थोड़ा ज़्यादा स्वीट था एंड थोड़ा ज़्यादा चॉकलेट्स भी थे जो, और मुझे मैंने दोनों पेस्ट्री लिया था तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा रेड वेलवेट, क्योंकि वो ज़्यादा क्रीमी था एंड स्वीट कम था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं कितने अच्छे से इन्जॉय करें, मैं आप लोग को दिखा भी रही हूँ कि। तो बस अब हम लोग खा रहे थे, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे, और मुझे स्प्रिंग रोल काफ़ी अच्छा लगा था, और बहुत मज़ा आया आबू धाबी लाउंज में भी और बहरीन लाउंज में भी। तो ये देखिए, बस मैं फटाफट अपना ये फिनिश करूँगी एंड देन इसके बाद जब ऐसे तो जस्ट मैं फ़्लाइट से हम लोग लैंड की थी, तो बस मैं थोड़ा इधर खा ली एंड इसके बाद मे भी अगर भूख लगेगी तो फिर मैं नेक्स्ट कुछ राइस है या चिकन खा लूँगी, क्योंकि बस मैं हल्का फुल्का ही ली थी। और ये देख सकते हैं किस तरह से लोग बैठकर खा कर अपना इंजॉय कर रहे हैं, और इधर से कुछ व्यूज़ देख लीजिए एयरपोर्ट का, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये व्यू, तो मैं सोची कि आप लोग को भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पी रही हूँ एप्पल जूस, ये एप्पल जूस है, एप्पल जूस कुछ और मत समझना आप लोग, एप्पल जूस है। और ये देखिए नादरा को पीने का मन किया कुछ लाइक चॉकलेट मिल्क, किया कुछ चॉकलेट जो भी मतलब ये ड्रिंक होता है ना चॉकलेट का, तो उनको पीने का मन कर रहा था चॉकलेट मिल्क में भी हॉट चॉकलेट, तो बस वो चेक कर रही थी कि कैसे बनेगा और कौन सा उसको चाहिए, यहाँ सारे अवेलेबल हैं, कौन सा मिल्क चाहिए, चॉकलेट मिल्क चाहिए या सिंपल मिल्क चाहिए या हॉट चॉकलेट चाहिए। तो नादरा बोली कि मुझे हॉट चॉकलेट और ट्राई करना है एंड खुद से बनाना है इस मशीन में, और ये मुझे बहुत मज़ा आ रहा है देखकर। तो फिर नादरा सेलेक्ट करी, बट प्रॉब्लम हो गया कि नादरा विदाउट कप का ये सब कुछ चेक करते करते इसने बना दिया, तो फिर वो ऑटोमेटिक गिरने लगा। तो फिर मैंने बोला कि वो कप लो पहले, इसके बाद देन अपना जो भी ये इसका तरीका है उस तरीके से बना लो, तो इसने फटाफट बना लिया। और देखते ही देखते इसका हॉट चॉकलेट इस तरह से रेडी हो गया, और ये काफ़ी गर्म भी था, बट वो सोचे कैसे ले लूँ, फिर उसने फाइनली ये इसे पकड़ लिया, और इसके बाद ये देखिए नादरा का हॉट चॉकलेट। और नादरा फर्स्ट टाइम इस तरह से उसने हॉट चॉकलेट बनाया था विथ मशीन के साथ, तो बहुत ही हैप्पी थी एंड काफ़ी इसे मज़ा आने वाला था। तो एंड ये हॉट हॉट इस तरह से ये इंजॉय कर रही थी ये हॉट चॉकलेट का, और बट इसने गलती कर दी, इसने विदाउट शुगर का बना लिया था, तो इसने बोला कि नादरा बोली कि मैं ले आती हूँ, मुश्किल नहीं, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, तो वो जाकर ले आई एंड शुगर। ये देखिए किस तरह से ये इस तरह से ये मिक्स करेगी। और बहुत ज़्यादा खाने का इस टाइम मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत हल्की फुल्की भूख लगी थी, इसलिए हम लोग ने लाइट सा ही कुछ खा लिया था एंड देन इसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी एंड इसके बाद जब भूख लगेगी अच्छे से तो फिर मैं लंच
कर लूँगी। तो ये देखिए इधर मैं दूसरे साइड में आ गई हूँ, लॉन्च का ही पार्ट है ये जो एरिया देख रहे हैं आप लोग। तो ये बहुत ही खूबसूरत है एंड इसके बाद ये सब कुछ बैठ सकते हैं चाहे तो लेट सकते हैं, हर तरह का चेयर अवेलेबल था, काफ़ी हम लोग इन्जॉय करते हैं। और ये देखिए नादरा कोल्ड ड्रिंक भी पी रही है एंड ये छोटा सा कैन भी मिल रहा था, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था, जो भी अपने पसंद का चाहिए आप ले सकते हैं इस लाउंज में। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था लाउंज का। और ये कुछ आप लोग लाउंज का अच्छे से व्यू देख लीजिए अबू धाबी का, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत था। एक्चुअली एयरपोर्ट ही काफ़ी बड़ा है और ये ये यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, तो माशाल्लाह से ये अबू धाबी एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा था और हम लोग ने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मज़े आ रहे थे इस अबू धाबी लाउंज में। तो बस मेरा मन कर रहा था थोड़ा लेट जाऊँ एंड रेस्ट करूँ, तो मैंने अच्छे से रेस्ट भी कर लिया। एंड इसके बाद इधर देखिए वॉशरूम है एंड ये है एंट्री अबू धाबी लॉन्च का, कुछ इस तरह से एंट्री है इधर से। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये बहरीन लॉन्च कैसा लगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो देखकर काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग सर्च करते हैं, चेक करते हैं अबू धाबी का लॉन्च कैसा है, कैसा एयरपोर्ट है। तो आई होप बहुत ही आप लोगों को मज़ा आएगा एंड काफ़ी हेल्पफुल मिला होगा ये वीडियो देख कर। तो ये देखिए माशाल्लाह से, और भी मैं अच्छे से इसका वीडियो शूट किया मैंने ताकि आप लोगों को अच्छे से देखने को मिलेगा ये अबू धाबी का एयरपोर्ट का व्यू एंड लॉन्च का भी, जो भी इसका एरिया है लॉन्च का, जो भी खूबसूरती है सब आप लोग देखे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो का इन मैं यहीं पर करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाली जो लॉन्च अबू धाबी लॉन्च का जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर जो नए आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिले। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।